तो भाइयों इस बार यूपी में फिर से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि यूपी में ठाकुरों की सरकार है, लेकिन इस बार विधानसभा में क्षत्रियों की टिकट काटने के बाद एमएलसी चुनाव में भी अमित शाह लाबी ने क्षत्रियों का पत्ता साफ करने की तैयारी कर दी है। तो भाइयों आजमगढ़ में क्षत्रियों ने बीजेपी को जितवाया, लेकिन इस बार एमएलसी से टिकट नहीं मिली। सहारनपुर हो जहाँ एटा वगैरह, कहीं भी क्षत्रियों को टिकट एमएलसी की नहीं मिल रही है। तो भाइयों पिछली बार क्षत्रियों के 60 से ज़्यादा विधायक बने थे, लेकिन वो आज 50 के पास ही पहुंच सके। तकरीबन बीजेपी से 15 टिकट काटी गई, लेकिन फिर भी क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये ठाकुरों की सरकार है। तो भाइयों जोगी को मुख्यमंत्री होने की वजह से ठाकुर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये उनको जोगी जी को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। तो भाइयों इसके अलावा उत्तराखंड में जो चुनाव हुए, तो उत्तराखंड में 35% से ज़्यादा क्षत्रिय ठाकुर आबादी निवास करती है, लेकिन इस बार भी ठाकुर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा खशमोकश हो रही है। तो इस बार लग रहा है कि शायद उत्तराखंड भी क्षत्रियों के हाथ से निकलने वाला है, जो कि ठाकुरों की क्षत्रियों की धरती रही है।